नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। झगड़ते, नाराज होते और गोली चलाते आखिरकार अफगानिस्तान में सरकार बन ही गई। लेकिन जिनकी सरकार बनी और जो मंत्री बने हैं वो सभी आतंकी लिस्ट में शामिल या दुनिया के सबसे बड़े इनामी आतंकी। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी सजा फांसी, और आम जिंदगी में जीने वाले लोग वो नहीं, लेकिन आज अफगानिस्तान की तकदीर लिखने वाले। ऐसे लोगों के बारे में जानकर सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान का क्या करेंगे। इसी लिस्ट में एक नाम है अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का, जिसके बाप ने कंधार कांड किया था। जी हाँ, अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबानी आतंकियों ने अपने संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को देश का रक्षा मंत्री बनाया। ये वही मुल्ला उमर है जिसने भारत के एयर इंडिया विमान IC-814 के अपहरण की साजिश रची थी। रक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद तालिबान की ओर से मुल्ला मोहम्मद याकूब की पहली तस्वीर जारी की गई। मुल्ला याकूब के कश्मीर आतंकी संगठनों लश्कर और जैश के साथ बेहद करीबी संबंध है, इसीलिए भारत को डर है कि कश्मीर में आतंक बढ़ सकता। यही नहीं, मुल्ला याकूब को पाकिस्तान का पूरा समर्थन हासिल है। मुल्ला मोहम्मद याकूब को तालिबान की नई सरकार में सबसे बड़े पद रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। मुल्ला याकूब और हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच रक्षा मंत्री के पद को लेकर काफी तनातनी थी। ये दोनों ही पाकिस्तान के करीबी, इसीलिए ISI चीफ के हस्तक्षेप के बाद एक समझौता हुआ जिसके तहत याकूब को अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया। याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का चीफ है। आपको जानकारी देते चलें कि याकूब के ही इशारे पर तालिबान के आतंकी और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद अफगान सेना पर हमले करते थे। मंत्री बनते ही मुल्ला याकूब की अब पहली तस्वीर सामने आई। उत्तराधिकार के अलग अलग संघर्षों के दौरान उसे तालिबान का नेता घोषित किया गया, लेकिन उसने 2016 में हिब्तुल्ला अखुनजादा को आगे करके तालिबान का सरगना घोषित कर दिया। कहा जाता है कि याकूब अपने संगठन में तनाव को कम करना चाहता था क्योंकि उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी और वो उम्र में भी कई नेताओं से बहुत छोटा था। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो मुल्ला याकूब ने अपने पिता मुल्ला उमर की मौत के बाद उसकी जगह लेनी चाही, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी तालिबान की मदद करने के लिए अफगानिस्तान पहुंचे थे, जिन्होंने अमेरिकी सेना को भगाने में मदद की, और अब उसी का फायदा मिल रहा है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है क्योंकि उसको एक ऐसी सरकार मिल गई जो उसी के इशारे पर काम करेगी और पाकिस्तान जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या हुआ है और कौन है रक्षा मंत्री, जिसकी कहानी क्या है।